अब बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज की जिसकी उपयोगिता क्रिकेट में बहुत है, रन रेट की। नेट रन रेट जानने से पहले रन रेट जान लीजिए। रन रेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, रन्स डिवाइडेड बाय ओवर रन्स को ओवर से डिवाइड कर दीजिए। और ये फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है जब तक ओवर्स जो हैं वो राउंड फिगर्स में हो, जैसे 10.0, 18.0। लेकिन जब राउंड फिगर से अलग हटके 10.1, 18.2 इस तरह आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए किस तरह कैलकुलेशंस करने हैं। तो 70 रन बने एग्जैक्टली 10 ओवर में, रन रेट हो जाएगा 7 रन पर ओवर। 18 ओवर में 90 रन बने, 90 डिवाइडेड बाय 18, 5 रन पर ओवर। लेकिन अगर 70 रन बने हैं 10.1 ओवर्स में, तो ध्यान रखिए कि उसे 10.166 से डिवाइड करना है, 10.1 से नहीं। और उसका कारण ये है कि एक बॉल जो होती है वो 0.1 ओवर नहीं होती। 10 गेंदों का ओवर होता तो 0.1 ओवर होती एक बॉल, लेकिन अब होती है 1/6 ओवर, यानी कि 0.166। इसी लॉजिक पे चलते हुए 0.2 को हर समय कन्वर्ट करिए 0.333 से, 0.3 को 0.5 से, 0.4 को 0.666 से, और 0.5 को 0.833 थे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 10.1, 10.2 ये नोटेशंस हैं क्रिकेट के, लेकिन मैथमेटिक्स में इनको चेंज करना ज़रूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी कैलकुलेशन करना हो रन रेट का तो इसी फॉर्मूले से कीजिए, इनको चेंज कर लीजिए। और भी एग्जैक्ट जाना है आपको तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसे कैलकुलेटर में एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा डालिए तो आप बिल्कुल पॉइंट्स में रन रेट का कैलकुलेशन करेक्टली कर सकेंगे।